नमस्कार INA न्यूज टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अंजलि शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। रायबरेली खिरो थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार की रात मजदूर की 9 साल की बेटी के साथ पड़ोस के एक अधेड़ ने खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। मासूम गांव के विद्यालय में कक्षा 3 की छात्रा है। खून से लथपथ कपड़ों में मासूम के घर वापस आने पर परिजनों को घटना की जानकारी हुई। उन्होंने डायल 112 पर फोन करके पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम को CHC खिरो पहुंचाया, जहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। यहां उसका इलाज चल रहा है। दो समुदाय के बीच मामला होने के कारण गांव में तनाव का हालात है। रविवार की शाम 6 बजे उसकी 9 साल की बेटी खेलते खेलते दूसरे समुदाय के घर टीवी देखने चली गयी, जहाँ उसी घर के एक अधेड़ ने खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। रात करीब 8:30 बजे बेटी जब वापस घर आई तो उसके कपड़े खून से लथपथ थे। उसने अपवीती बताई, इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम को CHC खिरो पहुंचाया, जहां उसके हालात गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। CHC में तैनात डॉक्टर राहुल घोष ने बताया कि मासूम को रात 10 बजे डायल 112 ले आई थी। उसके गुप्तांग से खून बह रहा था। प्राथमिक उपचार के बाद सुधार नहीं होने पर रात 1 बजे उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी अपर पुलिस अधीक्षक ने CHC खिरो पहुंचकर मासूम के परिजनों से मिले। पुलिस जवाबी मुठभेड़ में दुष्कर्मी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। INA न्यूज के लिए रायबरेली से संवाददाता प्रीति रावत की रिपोर्ट। खिरो थाना क्षेत्र के ग्राम पाहो में दुष्कर्म की एक घटना हुई थी, जिसमें 9 वर्षीय बालिका के साथ एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था। इस सूचना पर तत्काल FIR पंजीकृत हुआ था और अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए हमारी पूरी सर्किल के 4 थानों की टीम, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम लगी हुई थी। रात में हमारी समस्त टीमें पूरे गांव का सर्च की, आसपास के जंगलों में कॉम्बिंग किया गया, सर्चिंग किया गया अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए। आज दोपहर में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि इसका लोकेशन ललाखेड़ा के जंगलों में पाया जा रहा है। मुखबिर की इस सूचना पर हमारी चारों थाने की टीम, स्वाट टीम, सर्विलांस टीम मौके पर पहुंची, घेराबंदी करके अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया गया। अभियुक्त ने पुलिस पर बचाव में फायरिंग की, फलस्वरूप पुलिस द्वारा भी अपने बचाव में अभियुक्त पर फायरिंग किया गया, जिसके उसके पैर में गोली लगी। अभियुक्त के पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद किया गया।